इम्पोर्टेंट है पर रेयरली आता है, मतलब इतने ज्यादा पूछा नहीं जाता ये, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले। पहला है बेटा क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। कौन से नाइट्रो ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, नाइट्रो अल्केन या आर एन ओ टू, किसकी बात कर रहे हैं हम, नाइट्रो अल्केन, याद रखना, ठीक है। नाइट्रो अल्केन, देखो कुछ नहीं करना है, रिडक्शन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक आर एन ओ टू का रिडक्शन करवाओ किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ वॉट बेटा, एच प्लस वॉटर, ये सेकेंड स्टेप में एड करते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या होता है, यहाँ पे से दो ऑक्सीजन निकल जाएंगे और वहां पे क्या एड जाएंगे, दो एच, मतलब ये कन्वर्ट जाएगा आर एन एच टू के अंदर, याद रखना, कभी भूलना मत, सीधा याद रखना है। मैकेनिज्म करने जाओगे बहुत लंबा मैकेनिज्म है, आपको सीधा याद रखना है कि NO2 को रिड्यूस कर देता हूँ किसके अंदर, NH2 के अंदर, ठीक है। और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बेटा, ये क्या था, हमारा नाम लिख देना, क्या था, नाइट्रो अल्केन, और ये हमारा क्या बेटा, वन डिग्री अमीन, ठीक है बेटा, लिख लो जल्दी से। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या बेटा, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां पे भी लिखते हैं बेटा, यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटा ऑक्साइन क्या होता है, ऑक्साइन हमने पता है आपको आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़ा था, तो आप रिकॉल करना, वैसे इस वाले अलग सॉरी जो दूसरी वीडियो सीरीज होगी हम वहां पे डिस्कस करेंगे ऑक्साइन क्या होता है, किस तरीके से वहां पे बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है, एक स्पेशल टाइप की नेम रिएक्शन है वहां पे पढ़ेंगे हम। बट अभी के फिलहाल याद रखो ऑक्साइन क्या होता है, आर सी एच डबल बॉन्ड एन लोन पेयर, और यहां पे होता है ओ एच, ठीक है बेटा। ये क्या होता है हमारा, ऑक्साइन होता है, इसको हम पैसे बोलते हैं ऑक्साइन, आर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच, ठीक है। अब इसको रिड्यूस कर दो किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंडली आप उसको ट्रीट करना है किसके साथ बेटा, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी बेटा प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होता है, कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ये भी किसमें कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अमाइन में, आर सी एच टू एन एच टू के अंदर, वन डिग्री अमाइन। ये तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज देख लो, डायरेक्टली याद रखना है कि NO2 को रिड्यूस करके NH2, ऑक्साइन को रिड्यूस करके NH2, मतलब प्राइमरी अमाइन मिलता है दोनों में, ठीक है। चलो आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन लो, इजी दे रहा हूं, ज्यादा हार्ड नहीं, बस याद रखना मैकेनिज्म। बेटा ये क्वेश्चन नंबर थ्री आपके लिए, इसको ट्रीट करो आप पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, फिर सेकेंडली आप ट्रीट करना उसको किसके साथ, एच प्लस वाटर के साथ। और क्वेश्चन आपको नहीं, अभी फिलहाल ही नहीं करो क्वेश्चन, जल्दी से अटेम्प्ट करो, पॉज कर लो वीडियो को और अटेम्प्ट करो। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है कि रिएजेंट का एच कहां लगाना है और हमको मीडियम का एच कहां पे लगाना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ये भाई साहब हमको क्या देने वाले हैं, ये भाई साहब हमको देने वाले हैं एच नेगेटिव,
ये हमारा अटैक इसने कार्बन पे, ये गया इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये इस तरीके से पहले क्या होगा, साइनाइड कन्वर्ट होगा किसके अंदर, इमाइन के अंदर, एन पे नेगेटिव आ चुका है एक, और यहाँ पे एक एच लग चुका है, और यहाँ पे एक एल आई पॉजिटिव है। अब क्या होगा, इमाइन का फर्दर रिडक्शन होगा, ये फिर से अटैक मारेगा एच, और यहाँ पे एन पे फिर से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ओवरऑल क्या होगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन और आपका यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एन, नेगेटिव एल आई पॉजिटिव, नेगेटिव एल आई पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव आ गया ना, एन टू नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पे एच प्लस नहीं दे रखा मैंने आपको, डी प्लस दे रखा है, तो वहां पे एन नेगेटिव पे क्या ऐड करोगे, डी प्लस ऐड करोगे, सिंपल है बेटा। तो ये क्या होगा बेटा, इसमें डी प्लस ऐड कर दो, और डी प्लस ऐड करने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे सी एच टू एन डी टू, ठीक है बेटा, सिंपल है। एच कार्बन पे लगाना है, और ये सॉल्वेंट का डी नाइट्रोजन पे लगाना है, सिंपल है। अब कोई गलती तो नहीं की मैंने, नहीं गलती नहीं, सही है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, सेम है मैकेनिज्म, सेम होने वाला है, पहले साइनाइड रिड्यूस होगा किसमें, इमाइन में, फिर इमाइन का फर्दर रिडक्शन होकर वो कन्वर्ट हो जाएगा अमाइन के अंदर। अब देखो यहाँ पे डी फोर दे रखा है, मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, ये हमको डी नेगेटिव देगा, वो डी नेगेटिव अटैक इसमें मारेगा, कितने बार अटैक मारेगा, दो बार अटैक मारेगा। तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखता हूँ इसका, तो यहाँ पे सी डी और रेबो और डी, और यहाँ पे नाइट्रोजन, उसके ऊपर दो नेगेटिव होगा एल आई प्लस और दो एल आई प्लस होगा, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमने आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एच प्लस दे रखा है, तो एन नेगेटिव क्या उठाएगा, एच प्लस, दो नेगेटिव है तो कितने एच प्लस लगाओगे, दो एच प्लस लगा देना, तो ये भी लगा दो एच प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इस तरीके से कंपाउंड आपका यहाँ पे सी डी टू एन एच टू, सिंपल है बेटा। अब यहां देखो, ये आपको पहले से मैंने क्या दे रखा है, इमाइन दे रखा है ना बेटा, ये हमको क्या देने वाला है, ये हमको देने वाला है एच नेगेटिव। अब एच नेगेटिव का अटैक किस पे कराओगे, वेरी गुड, इस कार्बन पे करा ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके इसको देखो नाइट्रोजन को दे देना, ये इस तरीके से यहाँ पे क्या लग गया आपका एच लग गया, और यहाँ पे क्या गया नाइट्रोजन पे एक एच पहले से, और नेगेटिव चार्ज और एल आई पॉजिटिव, आपको मैंने क्या दे रखा है, आप एच प्लस दे रखा है, तो इस नेगेटिव चार्ज पे क्या लगा दोगे आप, एच प्लस लगा देना, सिंपल। यहाँ पे इसने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया, और ये कन्वर्ट हो गया आपका एन एच टू, दो कार्बन दो कार्बन दो कार्बन, ठीक है, सिंपल है। तो इस नोट कर लो,